नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं TTML की। TTML में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी लगातार स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो क्या ये स्टॉक 100 रुपए के नीचे जाने वाला है, ये आपको यहां पर क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और नहीं लगे तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम टाटा TTML की बात करें तो यहां पर इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जान लें तो देखिए, एक समय था आज से 10 साल पहले, आप देखेंगे तो इस कंपनी के पास लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, यूजर्स थे, और बहुत सारे इन कंपनियों के साथ बिजनेस का पार्टनरशिप भी किया है जैसे डोकोमो के साथ में, और सबसे पहले 3G सर्विस भी इसी कंपनी ने दी थी। लेकिन आज के समय में ये टेलीकॉम में काम नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर यहां सबसे पहले हम ये देखें जो कि आप यहां चार्ट में देखें, पिछले 6 महीने में आपको यहां रिटर्न दिखेंगे 334% की, और वहीं एक साल की अगर आप बात करेंगे तो आपको ये रिटर्न दिखेंगे बहुत ही बड़े लेवल पे, जो कि अभी भी आपको 815% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। यहां आप चार्ट देख सकते हैं किस तरह से एक पहाड़ बना था, यहां से इस पहाड़ की चोटियां बनती चली गई, लेकिन अब ये जिस तरह से पहाड़ का शेप होता है सेम उसी शेप में ये जा रहा है। तो क्यों जा रहा है और ये बना क्यों था, तो सबसे पहले बनने का कारण देखिए, TTML की बात करें तो इनका जो सुपर ऐप को लेकर के बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। अभी बिल्कुल ये नहीं पता है कि TTML को सुपर ऐप से क्या फायदा होगा, ये बहुत क्लियर कट किसी को अभी नहीं पता है, लेकिन उसकी वजह से आते ही बहुत शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन दूसरी एक चीज और, इन्होंने अपना जो बिजनेस है अब उसको बदल दिया है, अब ये छोटे बिजनेस और जो मीडियम क्लास के बिजनेस है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अच्छे लेवल की है। आपको इनकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी आपको देखने को मिलेंगी, और भी बहुत जगह आपको इनके प्रचार प्रसार देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां आप अगर देखें तो इस स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया है 290 रुपए का हाई है, और स्टॉक कहां से 2-4-5 रुपए के लेवल से भागना शुरू किया, और खासकर जब भागना शुरू किया तो इसका प्राइस आप यहां देखेंगे कि किस लेवल से ये भागा था, जब ये 10-12 रुपए के लेवल पर था तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये 200 के पार भी जा सकता है, लेकिन 290 का हाई बनाया। अब यहां पर सवाल ये आता है ये गिर क्यों रहा है, तो जैसा कि आपको पता है दो कंपनियां इस समय अगर टेलीकॉम में बात करें, फिलहाल ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आम लोगों के लिए, तो इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब इन्होंने अपनी जो इक्विटी थी उसको इन्होंने भी गिव अप करने की बात कही, इस गवर्नमेंट को देने की बात कही, क्योंकि जो बहुत सारा इनके ऊपर लोन है, कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, अब इनके पास इतना बड़ा कर्ज है कि अगर ये अपना सारा माल भी बेच दें तो भी इस कर्ज को नहीं चुका सकते, पूरी इक्विटी बेचने के बाद भी नहीं चुका सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी ने जो अपनी इक्विटी दी वो बहुत ही कम प्राइस पे, और उसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक में लोअर सर्किट लगने लगा, क्योंकि 290 रुपए का स्टॉक प्राइस और वहीं 50 रुपीज के नीचे ये अपनी इक्विटी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और इसी वजह से स्टॉक में आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक न्यूज के ऊपर चलता आया है और अभी भी स्टॉक के ऊपर ही, न्यूज के ऊपर ही स्टॉक चल रहा है। अब यहां पर दूसरी बात यह आती है कि इनका अगर फ्यूचर देखें तो क्या हो सकता है, और वहीं 100 रुपए के नीचे ये स्टॉक जाएगा या फिर नहीं, तो दोस्तों 100 रुपए के नीचे ये स्टॉक जाएगा, इस बात को आपको अपने माइंड में थोड़ा सेट करना होगा। अब यहां पर अगर जो नए लोग हैं इसमें तलाश कर रहे हैं फ्रेश बाइंग की, तो उन्हें अभी रुक जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। नए लोगों को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए पैनी स्टॉक है और बहुत तगड़े रिटर्न यहां से दे चुका है, बड़े लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बेशक रिटेल निवेशक यहां पर प्रॉफिट नहीं बुक कर पा रहे हैं, उनके पास शेयर हैं, प्रॉफिट है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, और यही चीजें होती हैं। पैनी स्टॉक से हमेशा आपको अपना जो मेन अमाउंट है, जो पैसा आपने अपनी जेब से लगाया है, वो जब स्टॉक भागता हो, जब वो प्राइस आपका 200-400-500% के रिटर्न दे दे, अपना पैसा निकाल लीजिए, बाकी प्रॉफिट छोड़ दीजिए, आप कभी टेंशन में नहीं रहेंगे।
अगर इस चीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमेशा आप खुश रहेंगे। मार्केट के अंदर रूल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर कोई रूल नहीं है, आप किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और वही चीज आप यहां देखेंगे तो 100 रुपए के नीचे ये स्टॉक जाने वाला है। और क्योंकि न्यूज, जब तक कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज देखने को नहीं मिलेगी, इसमें आपको बड़ा कमबैक भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटर्स का गेम भी यहां पर बना रहता है। अगर कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो आज के समय में आपको ये 30,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भाग चुका है। लेकिन दिन ब दिन ये कम हो रहा है जैसे जैसे शेयर प्राइस नीचे गिर रहा है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है TTML के बारे में, आपने क्या सोच के निवेश किया था और आप अब क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी इसमें ऑर्डर लगा रहे हैं, सेल करने के लिए लगा रहे हैं? तो उतना माल बेच दीजिए जो आपने पैसा लगाया है, प्रॉफिट को अभी भी रखिए, होल्ड करिए, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों।